जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे आज के राशिफल, आज के पंचांग और आज के महा उपाय की। तो सबसे पहले चर्चा 8 नवंबर 2017 के पंचांग की। विक्रम संवत 2074 मास चल रहा है, मार्गशीर्ष का तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है आद्रा, योग है सिद्ध और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा राशिफल की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काम को थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, सरकारी तंत्र की तरफ से कोई बाधा, कुछ समस्या आ सकती है। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी के साथ दुर्व्यवहार आज आप न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 5 और शुभ्रंग बनता है कत्थई। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखें। ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 9 और शुभ्रंग बनता है गेरुआ। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने परिवार के खास संबंधियों, रिश्तेदारों से मिलने के अवसर बनेंगे, समय बहुत अच्छा बीते, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। क्रोध करने से बचिए, आपके लिए शुभंक बनता है 6 और शुभ्रंग बनता है भूरा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी आप अपने साथ ऊर्जा और कैरी करें, अपनी शुभ ऊर्जा के साथ आज आप अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार भी करेंगे और लाभ भी पाएंगे। ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। रोगों को अनदेखा न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 1 और शुभ्रंग बनता है नीला। सिंह राशि, आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध आज आपके लिए बन रहा है। अगर आप पूरे मनोयोग से काम करते हैं, आज काम में लापरवाही होने की भी स्थिति है, अगर आपने लापरवाही को बचाया तो बहुत अच्छा लाभ आपके इंतजार में है। ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आज किसी भी परिस्थिति में आप तनावग्रस्त न हो, आपके लिए शुभंक बनता है 7 और शुभ्रंग बनता है लाल। कन्या राशि, आप अपना महत्वपूर्ण समय आज अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए कुछ योजना बनाने में, कुछ चिंतन करने में लगा सकते हैं और कुछ फाइनेंसेस इकट्ठा करने में भी आज आपका समय बीतेगा। आप अपने भविष्य के बिजनेस के एक्सपेंशन की प्लानिंग में लगातार लगे हुए हैं। ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, आपके लिए शुभंक बनता है 3 और शुभ्रंग बनता है गुलाबी। तुला राशि, असहयोग की भावना आप में बहुत अधिक रहने वाली है, आपके संबंधों को ये भावना प्रभावित कर सकती है, तो इस तरीके के भाव से बचना चाहिए। ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। निवेश करने से बचिए, आपके लिए शुभंक बनता है 8 और शुभ्रंग बनता है सफेद। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय में आपको स्वयं को वाद विवाद के स्थानों से, लड़ाई झगड़े की जगहों से खुद को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, आप इसमें घिर सकते हैं। ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। बिना सोचे समझे कोई अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट न करें, आपके लिए शुभंक बनता है 2 और शुभ्रंग बनता है ग्रे। धनुराशि,
अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने के लिए आज प्रेरित करेगा। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। किसी के दिल को न दुखाएं, आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है सिल्वर। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रख करके आर्थिक योजना बना करके चलने की जरूरत है। जैसी परिस्थितियां आपको बहुत परफेक्ट लग रही हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव लेने से बचना चाहिए, आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है बैंगनी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आज आपके काम में आपसे कोई गलती, कोई लापरवाही ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लापरवाही से बड़ा नुकसान हो, ऐसे योग भी आज दिखते हैं। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में होगा। कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए, आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है नीला। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने काम में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। भाग्य का आपको भरपूर समर्थन आज प्राप्त होगा। ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके हित में रहेगा। किसी भी व्यक्ति को आप धोखा देने की प्रवृत्ति न रखें, आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है हरा। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हमने जाना कि दिन कैसा बीतने वाला है और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर छोटे बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, उनको नज़र इत्यादि लग जाती है, तो छोटे बच्चों के या बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए लाल किताब से 2 जुड़े हुए सिद्ध बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली टोटके। पहला टोटका ये है कि शनिवार, मंगलवार या रविवार को एक काला डोरा आप ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें आप बांध लें। उस डोरे को बच्चे के गले में, कमर में या पैर के टखनों में आप पहना दीजिए। किसी भी प्रकार की नज़र इत्यादि की समस्या होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, उससे बच्चे को मुक्ति मिल जाएगी। जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और उच्चारण कर रहे हों, उसमें 7 गांठें लगा रहे हों, गांठें लग जाए तो भी उसके बाद आपको कुल 108 बार इस मंत्र का उच्चारित करना है उस धागे को लेकर के, और जब 108 पूरा हो जाए तो उस धागे पर एक हल्की सी फूंक मार के बच्चे को पहना दीजिए। दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से थोड़ा सा कच्चा दूध 11 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में उतार करके किसी रोड पे घूमने वाले सड़क छाप कुत्ते को, जंगली कुत्ता जिसे बोलते हैं, देसी कुत्ते को आप संध्या के समय में पिला दीजिए। इससे बच्चे को अगर कोई नज़र है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वो दूर होगी और बच्चे को दीर्घायु यानी लंबी उम्र की प्राप्ति होगी, उसकी आयु जो है वो अच्छी रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये दोनों उपाय और टोटके आपके बहुत काम आएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन शुभ हो, दिन अच्छा बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभववन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।